फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैटिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8 लाख में कितना जीरो होता है। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। तो दोस्तों, 8 लाख में कितना ज़ीरो होता है ये जानने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखा जाता है किसी भी संख्या को, वो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किसी भी संख्या को लिखने के लिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस जो भारतीय इकाई प्रणाली होती है लिखने का, उस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे कि पहले हम 1 लाख लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले देखो, पहला अंक होता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, इसी तरीके 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी इस तरीके से क्रमवाइज चलती है। तो हमने 1 लाख लिख लिया, जो कि इस तरीके से है। और देखो, काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 1 लाख, 1 लाख हमने लिख लिया, जिसमें कितने ज़ीरो आते हैं दोस्तों, 5 ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होता है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, 8 लाख में कितना ज़ीरो है ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें 8 लाख लिखना पड़ेगा। 1 लाख हमने लिख लिया, तो 2 लाख, 8 लाख कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, जैसे 1 लाख हमने इस लिखा तो 1 के बाद 5 ज़ीरो आया, तो अगर 2 लाख लिखना है क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख लिखना तो 1 लिखा गया, 2 लाख लिखना तो 2 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा इसके पीछे 5 ज़ीरो, तब के क्या हो जाएगा, यह 2 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से 8 लाख भी लिखा जाता है कि पहले लिखेंगे 8, फिर ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, ये इस तरीके से लिखा जाता है क्रम वाइज से। वही क्रम चलता है चाहे कितनी छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या हो, ठीक। तो हमने लिख लिया, अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, ये 8 लाख हो गया। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 3, 2, 5, 5 ज़ीरो, जो कि हमारा यही आंसर लाना था कि 8 लाख में कितने ज़ीरो होंगे और कैसे लिखते हैं। तो ये है 8 लाख लिखने का तरीका, और इसमें कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। समझ गए, आपका डाउट क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।